हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी। मैं हूँ प्रोफेसर रेनू। आज मैं आपके लिए कुछ लेटेस्ट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। बीएसएससी के एग्ज़ाम को लेके थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं, थोड़ा सजेशन देना है आपको यहाँ पे, जो थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत स्टूडेंट का यहाँ पे कमेंट्स आए थे कल, जब मैं इस लेटेस्ट वैकेंसी की डिटेल्स मैंने आपको दिया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट के यहाँ पे कमेंट्स आ रहे हैं। तो आज उनके ही कमेंट्स का थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको आंसर देने वाली हूँ, कि आपके जो जो डाउट्स है वो मैं उसको आज रिप्लाई यहाँ पे देने वाली हूँ अपने इस वीडियो में। तो उससे पहले जिन लोगों ने हमारे स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये स्मार्ट नौकरी चैनल आपके लेटेस्ट अपडेट लेके आता है, सारा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन ए टू जेड, सारा जितना भी डिटेल्स होता है सब कुछ ये प्रोवाइड करता है स्मार्ट नौकरी चैनल, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो मैंने कल आपको बताया था बीएसएससी का आपको पूरा, मैंने वैकेंसी की डिटेल्स आपको बताया था, जिसका फुल फॉर्म है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। इसमें मतलब वैकेंसी निकली हुई है, टोटल कितने पोस्ट के लिए निकली हुई है, 1300 मतलब यहाँ पे देखो वैकेंसी आप दिख रहा है आपको, दिखा आपको यहाँ पे 13120 मतलब 13120 यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है, जिसका मैंने आपको बताया था। मगर फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे ये बता देना चाहता हूँ, ये मेंस एग्ज़ाम का यहाँ पे निकला हुआ है, ये प्रीलियम एग्ज़ाम, जो बच्चे लोग ने यहाँ पे प्रीलियम एग्ज़ाम को क्रैक किया है वही बच्चे सिर्फ अब इसको फॉर्म भर सकते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ बिहार वाले बच्चों के लिए है, ना कि यूपी के लिए, ना कि एमपी के लिए, इन सब लोगों के लिए ये नहीं है। सिर्फ जो बिहार वाले बच्चे हैं सिर्फ वही ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वो भी उसमें से जो बच्चों ने प्रीलियम का एग्ज़ाम दिया है, वो कट ऑफ उनका क्रैक हो चुका है, प्रीलियम एग्ज़ाम क्रैक हो चुका है, अब वो यहाँ पे मेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरेंगे। समझ में आया आपको? आप सबको पता है स्टाफ मतलब ये एसएससी के एग्ज़ाम में कैसा होता है, स्पेशली बिहार में दो मतलब हिस्से यहाँ पे होता है, पहले प्रीलियम एग्ज़ाम, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम। तो आप यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से लिखा हुआ है, वनली प्रीलियम एग्ज़ाम क्वालिफाइड कैंडिडेट कैन एलिजिबल फॉर मेंस एग्ज़ाम 2020। ये जो 13120 वैकेंसी निकली है वो सिर्फ बिहार वाले बच्चों की है, और बिहार वाले बच्चे में जो प्रीलियम एग्ज़ाम इसका क्वालिफाइड किया है सिर्फ वही बच्चे अब मेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट है कि मैम मैं यूपी से हूँ, मैम मैं एमपी से हूँ, तो क्या मैं इस फॉर्म को फिल कर सकता हूँ? तो आप लोग फिल नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोग के लिए अलग फॉर्म निकलता है, ये बिहार के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये फॉर्म निकला है, और उसमें से बिहार बच्चे में जो प्रीलियम एग्ज़ाम दिया वही इस फॉर्म को फिल कर सकता है। आई होप आपको जो भी डाउट्स था मैंने आपका डाउट्स यहाँ पे क्लियर कर दिया। अगर फिर भी आपको कुछ भी डाउट्स होगा इस वैकेंसी को लेके, तो प्लीज़ आप यहाँ इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए। काफ़ी अच्छी वैकेंसी, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट भी यहाँ पे हैं, तो सारे बच्चे थोड़ा सा डाउट्स आपके मन में आ गया था, बट यहाँ पे पूरा क्लियर लिखा हुआ है, सिर्फ प्रीलियम वाले बच्चे ही जो क्वालिफाइड किए हैं वही मेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरेंगे। मतलब ये मेंस एग्ज़ाम आपका सेकेंड स्टेज एग्ज़ाम है, और इसका फर्स्ट स्टेज एग्ज़ाम हो चुका है, जो बच्चे क्वालिफाइड कर चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया इन्फॉर्मेशन, एक नया एडवाइस और एक नया सजेशन के साथ में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।